NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम ना से नटखट ननकू। अरे याद आया, भैया ने कहा था कि अगर हम 10 तक गिनेंगे तो भैया हमारे सामने आ जाएंगे, जादू से आ जाएंगे। तो चलो गिने। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं प्रकट हो गया। मैंने आपको पर्दे के पीछे से आते हुए देखा। अरे नहीं भाई, मैं तो अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती मान गया। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं छुपा हुआ था। हाँ तो बच्चों, अब बताओ कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे तुम आज? परी और राजा रानी की, कुत्ते की, जादूगरनी की, जादू नहीं नहीं नहीं, बंदर। ये हुई ना बात। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा चुन्नू। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना से नटखट ननकू की कहानी। ननकू? ये ननकू कौन है? अरे भाई, ननकू था एक नन्हा सा प्यारा सा बंदर, बड़ा ही नटखट था। ना से नटखट, जैसे तुम हो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। नटखट यानी शरारती। शरारती, हाँ शरारती, शाबाश। तो बच्चों, ना से नन्हा, ना से नटखट, ना से नल, ना से नल, ना से नाचना, ना से ना से नमस्ते, वाह, ना से नागिन, नागिन और नाग भी तो होगा, ना से नागिन, ना से नाग, और ना से नाग, ना से नाम, नाम, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत सही कहा। इसी बात पर हो जाए ताली जोर से। ना से नानी, अरे वाह। ना से नाना, ना से नाना जी, ना से नाना जी, ना से नानी जी, जाओ ताली इसी बात पर, बहुत अच्छा बताया। हाँ तो बच्चों, ना से नन्हा, ना से ननकू, ना से नटखट। भाई ननकू बहुत नटखट था, वो बहुत नाचता कूदता था, उछल कूद करता था, पर साथ ही साथ वो एक गलत काम करता था, वो जंगल के सारे जानवरों को परेशान भी करता था। बिल्कुल, और क्या, अरे स्कूल के अपने साथियों को भी परेशान करता था, वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था। क्या ननकू स्कूल भी जाता था? हाँ जाता था स्कूल। पता है उसका स्कूल का नाम क्या था? क्या था? मैं बताऊं? हाँ भैया। उसके स्कूल का नाम था नंदनवन प्राथमिक विद्यालय। भैया ना से नंदन। हाँ शाबाश, ना से नंदन, बहुत सही। ना से निक्का। ना से नमन। तो बच्चों आगे सुनो, भाई वो स्कूल तो जाया करता था लेकिन वो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं था। वो हर समय शैतानी करता था क्या? पता है वो क्या करता था? भैया भालू दुकानदार के सब्जी फल उठा उठा कर नदी में फेंक दिया करता था। ना से नदी, शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, ना से नदी। और हाँ, कभी नींबू फेंक दिया करता था। हाँ कभी नाशपाती फेंक दिया करता था। और तो और कभी नारियल भी फेंक दिया करता था। अरे वाह वाह वाह, बजाओ सी बात पर ताली, ये हुई ना बात। और बच्चों पता है वो क्या करता था? क्या करता था भैया? जो जंगल में नील गाय थी ना। हाँ ना से नील गाय, बिल्कुल सही। तो जंगल में जो नील गाय थी वो बाल्टी भर के दूध रखती थी अपने घर में। ननकू चुपके चुपके जाता, और दूध में नमक मिला देता। ये भी बहुत गलत बात है। तो है ही बिल्कुल। ना से नमक, ना से नीला। हाँ ना से नीला, बहुत बढ़िया, शाबाश। की जगह दूध में नमक डाल देता।
हाँ बिल्कुल, नमक डाल दिया करता था वो शरारती जो था, तो नमक मिला के दूध खराब कर देता था। ननकू की नानी ना से नानी है ना, ननकू की नानी कहती, ननकू बेटा अरे तुम दिन भर नाचते कूदते रहते हो, ऐसी नादानी क्यों करते हो बच्चा, अरे थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो। एक दिन, जानते हो एक दिन ननकू की नानी ने क्या कहा ननकू से? उसने कहा, अरे बेटा ननकू, अरे सुन, अरे जरा भालू फल वाले से 9 नाशपाती तो खरीद ला बच्चे। ना से नाशपाती, ना से 9, ना से नानी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा तुमने भैया। ना से पेंसिल की नोक, ना से नोक, ना से नाना। भाई वाह क्या बात है, ना से निकालना। तो इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार, बजाओ ताली। शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, ननकू पैसे लेकर भालू फल वाले के पास गया। वो मन ही मन सोच रहा था, ओहो कैसे लाऊंगा 9 नाशपाती, ओह मुझे तो गिनती आती ही नहीं, क्या गिनती आती ही नहीं, 9 नाशपाती कैसे गिनूंगा, 3, 5, 7, 6, 4, 8। उसको 9 तक भी गिनना अरे नहीं आता था भाई, नहीं आता था। अरे वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था, इसीलिए उसे 9 तक गिनती भी नहीं आती थी। हाँ तो भाई ननकू बंदर भालू फल वाले के पास गया और बोला, दादा दादा आप गिन दो ना नाशपाती, गिन दो ना दादा, गिन दो ना। बच्चों ये सुनकर भालू दादा ने ननकू को डांटा। वो बोला, क्या कहा मैं गिन दूं, हैं क्या तुम्हें 9 तक गिनना भी नहीं आता? सही कहा तूने। बजाओ ताली इसी बात पर। भालू दादा ने बोला, अरे ननकू तुमसे छोटे बच्चे भी 100 तक गिन करके ले जाते हैं, तुम्हें 9 तक गिनती नहीं आती है? 9 तक गिनती नहीं। अब ननकू को बहुत शर्म आई, उसे समझ में आ गया कि नानी उसे पढ़ने लिखने के लिए क्यों कहती है। नानी, ना से ननकू, ना से नमक, शाबाश, ना से नाक, ना से नोट, ना से नोट, अरे वाह क्या बात है, ना से नाली। और इसी बात पर बजाओ जोरदार ताली। बहुत बढ़िया शाबाश। क्या ननकू पढ़ने लग गया? हाँ अब वो पढ़ने लगा, स्कूल भी जाने लगा, अपने वही नंदनवन प्राथमिक विद्यालय। अब वो सबका अच्छा दोस्त बन गया था और अपने दोस्तों को कभी भी परेशान नहीं किया करता था। कौन? ननकू और कौन। तो अब नन्हे ननकू ने सबकी बात मानी और खत्म हो गई ननकू की कहानी। बजाओ ताली। नन्हा प्यारा बंदर, एक था नन्हा प्यारा बंदर, ननकू उसका नाम, ननकू उसका नाम। उठा उठा फल नदी में फेंके, उठा उठा फल नदी में फेंके, नटखट और शैतान। ना से नन्हा नटखट ननकू, ना से नदी और नाम। गाय के दूध में नमक मिला के भागा ननकू। नसे नींबू नमक नदी और नील गाय और ननकू। नानी
कहती ननकू मत कर, नानी कहती ननकू मत कर, सबको परेशान सबको परेशान। नाच कूद में समय बिताते, नाच कूद में समय बिताते, पढ़ भी लो नादान। नसे नानी नसे ननकू नाच कूद नादान। नानी ने मंगवाई ननकू से नौ नाशपाती, ननकू सोचे कैसे लाऊं कैसे लाऊं, गिनती नहीं है आती। तीन छः दो नौ नहीं। नसे नानी ने और ननकू नसे नाशपाती। ननकू बोला, क्या बोला? भालू दादा गिंदो नाशपाती। डांटा भालू ने, क्या नौ तक भी तुम गिन ना पाते, स्कूल में जाकर तुम भी क्यों ना पढ़े लिखे बन जाते, तुमसे छोटे बच्चे भी सौ तक गिन कर ले जाते। शर्म आई ननकू को, उसने छोड़ी सब शैतानी। समझ में आया पढ़ने लिखने को क्यों कहती नानी। समझ में आया पढ़ने लिखने को क्यों कहती नानी। ना से ननकू ना से नौ और ना से होता नानी। ये थी ननकू की कहानी, ये थी ननकू की कहानी, ये थी ननकू की कहानी। ना से नटखट ननकू। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित और बच्चे, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।